अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट सजाद मनहास। आज बात करेंगे, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आजकल की दुनिया मतलब म्यूजिक की दुनिया में अगर हम बात करें, डोगरे जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनकी बात करें, तो आज के दौर में इनका जो गाना है वो 3 मिलियन टच करने वाला है अप्रॉक्स। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान, हमारे टॉक शो के मेहमान मोहन ठाकुर। पहले तो वेलकम करेंगे आपका स्ट्रेट टॉक जेके में। तो हम बात करेंगे कैसे आपके इस जर्नी की शुरुआत हुई और किस तरह से आपने सिंगिंग के मतलब पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग शुरू की, या सिंगिंग का भी बचपन से शौक था, या स्कूल टाइम पे आपको सिंगिंग का शौक पड़ा, कैसे क्या हुआ? जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे बात करने का, अपनी बात रखने का। तो आपने शौक की बात जहाँ तक बोली है, तो अगर ये गाने का शौक अगर आप बोलोगे तो मुझे बचपन से ही ये शौक था। मान के चलिए कि जब मैं छोटा ही था तो हमारे गांव में ये जो शादी ब्याह वगैरह हुआ करते थे, इनमें हम छोटा मोटा मनोरंजन जो है वो बचपन से ही किया करते। जी। तो अचानक से कैसे ख्याल आ गया कि अब मैं सिंगिंग की दुनिया में आऊंगा? एक गाना आपका जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है शायद, महला दी रानी, कैसे शौक आ गया, कैसे ख्याल आया कि मैं अब एक वीडियो करूं ऐसी जो लोगों तक इस संदेश को पहुंचाऊं, कैसे ख्याल आया? सर, इसके पीछे सबसे पहले तो मैं एक चीज ये बताऊंगा कि शौक तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जब आज से 10 साल या 15 साल पहले की बात करें तो जैसा आज सोशल मीडिया का दौर है, वैसा उस वक्त नहीं हुआ करता। जी। लेकिन अचानक से जो है, मेरे कुछ साथी हैं जिनका नाम लिए बिना मैं नहीं रह सकता। जी। वो मेरे साथी हैं, खासकर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन साथियों का जिन्होंने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। जैसे मेरे बिल्कुल क्लोज करीबी साथी अब्दुल सलाम बोरा जी, मोहम्मद अशरफ बाली जी, राजकुमार शर्मा जी, इन लोगों ने जो है मेरे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट किया। उसके साथ जो है मोहम्मद रफीक फौजी साहब जो हैं, उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा कॉपरेट किया। इसके बीच में एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा इस प्लेटफॉर्म पर आने में एक अहम बीच में एक अहम रोल जो है वो मेरे साथियों ने तो मेरा साथ दिया ही है, लेकिन एक अहम रोल मैं कहूँगा कि जो मेरा परिवार है, जैसे मेरे बच्चे हैं, जैसे अभी हमने ये आने वाले ये जो अभी आपका गाना आया उसमें आपके बेटे को भी काम करते हुए देखा है। जी जी हाँ जी, मेरा मैक्सिमम जो है मेरे बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। जी। तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा जोर दिया, मेरी माता जी बुजुर्ग हैं तो उनको भी ये शौक था कि आप ये जो है खाली छोटे मोटे फंक्शनों में गाते रहे, तो आजकल का दौर है अगर, तो आप भी एक याददाश्त के लिए जो है एक रिकॉर्ड गाना रिकॉर्ड करो। तो इन सब बातों के बीच में ऐसा हुआ कि जब इन सब लोगों ने मुझे इस पर मजबूर किया तो मुझसे भी नहीं रहा गया, क्योंकि अंदर से मुझे भी शौक था कि चलो याददाश्त के लिए सही कम अज़ कम मैं एक दो गीत गा लूँ। तो ये सारी कहानी इसके पीछे ये एक छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं छोटी सी वजह बता रहा हूँ कि मेरे जो साथी थे और मेरा जो परिवार था, इन सब लोगों ने मुझे जोर दिया और मेरा साथ दिया और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। अच्छा, हम जानना चाहेंगे एक सिंगर की जिंदगी, यानी गाना गाना है, एक हिली एरिया से उठ के हम जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमें जम्मू जाना पड़ता है हिली एरिया से उठ के, और कितनी ज्यादा मुश्किलातों से आपको दो चार होना पड़ा? सर देखो, सबसे पहले तो मैं चीज़ बताऊंगा कि हमें जो
इसके अंदर जो एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस है जी, उसके बाद शूटिंग प्रोसेस है जी, तो हम एक बहुत हिली एरिया में रहते हैं जी, तो वहाँ से हमें इन सब के पास पहुँचने में तो बहरहाल मुश्किलात दुश्वारियाँ आती हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी जो टीम थी, जो मेरा ग्रुप था, उस ग्रुप ने मुझे कहीं उतना ज़्यादा महसूस नहीं होने दिया कि मुझे कहीं कुछ ज़्यादा मुश्किल आई हो। बहरहाल मुश्किलात तो आती हैं, जैसा मान के चलिए कि पहली पहली बार अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमें उधर से उसका एक मन में एक डर जैसा, झिझक जैसी थी, उसके साथ साथ जो है उसमें अगर मुश्किल छोटी हो वो भी बड़ी लगती है, क्योंकि जब आदमी पहली पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती है। और पहला ही गाना 3 मिलियन टच कर रहा है, और जम्मू के जाने माने एक सिंगर आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, चमन लहरी जी, कैसा उस वक्त फील हुआ कि ये गाना मेरा, चमन लहरी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं? सर, इसके लिए तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस नाचीज को जो है इस काबिल समझा, मेरी गाने की सराहना की। और रहा 3 मिलियन का, तो मैं उन सब व्यूवर्स का, उन सब सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरे गाने को इतना ज़्यादा पसंद किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा गाना जो है इतना जल्दी, यानी 27, पहला एक मिलियन जो है वो 27 दिन में मेरा गाना गया है। तो शायद मैं कहता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत, एक चीज़ को मैंने छोड़ दिया था, ठीक 10 साल के बाद उस ग्राउंड में जब मैं दोबारा आया तो मुझे इतना लोगों से प्यार मिला, मैं सोच भी नहीं सकता जी। आपको क्या लगता है अगर उस टाइम पे आपने शुरू किया होता तो आज काफी ज्यादा बुलंदी में? सर, जैसा मैं आज लोगों का प्यार देख रहा हूँ, अपने साथियों का, अपनी टीम का जो टीम वर्क देख रहा हूँ, मैं ये श्योरली कहता हूँ कि आज से 10 साल पहले अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए होते, शायद ही, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हम डोगरा के अंदर, अगर हम डोगरी को प्रमोट करने जा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं अच्छी, कहीं ना कहीं जो है हम अपने इस चीज़ को किसी ना किसी जगह पे लेके, हमने अपने एक जो मैसेज था उसको और अच्छे तरीके से किसी जगह पे पहुँचाया होता। अब बात कर लेते हैं मोहन प्रोडक्शन की। मोहन प्रोडक्शन जब शुरुआत हुई उस पर पहला गाना डोगरी आ गया, उसके बाद हमें क्या पंजाबी भी देखने को मिलेगा या कोई हिंदी गाना ऐसा देखने को मिलेगा, या खाली डोगरी को प्रमोट करना है डोगरी? सर, इसके बीच में एक चीज मैं आपको बताऊंगा जी, कि सबसे पहले जो हमारे जम्मू के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं जी, खासकर जम्मू रीजन के अंदर जी, कश्मीर रीजन के अंदर जो पहाड़ी भाषा बोली जाती है वो मैक्सिमम हमारी भाषा से जुड़ती है, लेकिन जो कश्मीरी भाषा है वो जो है उस, वो मुझे कम आती है। इसके अलावा जो हमारे जम्मू रीजन के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं, मान के चलिए जैसे भद्रवाही है, जैसे पोगली है, डोगरी तो ऑलरेडी है ही है, गोजरी है, पहाड़ी है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इन भाषाओं में जो है एक एक गीत जो है करने की कोशिश करूँगा, ताकि सबसे पहले मैं अपने जो इलाकाई, हमारी जो हमारे इस जम्मू रीजन की भाषाएं हैं जिनको प्रमोट किया जाए। उसके बाद मैं बीच में अगर उस मेरे मालिक ने सहद बख्शी मौका दिया तो शायद ही फिल्मी, तो अब अपने आप को हम कहेंगे कि नहीं, फिल्मी में तो शायद बहुत बड़ा कंपटीशन है, वहाँ तो हम शायद ना कामयाब हो सकें, लेकिन पंजाबी में उससे भी ज़्यादा है, लेकिन एक अपना अपना शौक है, एक अपना अपना गाने का एक मन के अंदर विश्वास होता है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि पंजाबी गाना भी अभी कोई ऐसे चैनल भी हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे लिए भी गाना करना है? जी जी सर, उसमें सर हमें, मैं तो सबसे पहले एक, मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे जो हिमाचल के अंदर टी सीरीज कंपनी है वहाँ से मुझे जो है कॉल आई थी, उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि हम आपके जो है गाने इस में करना चाहते हैं। उसके अलावा एक और चैनल था जो वो जो है वो बॉलीवुड के अंदर भी जो है छोटा मोटा काम करते हैं, उन्होंने भी मुझे ऑफर किया था कि आपका जो ये गाना सुना हमने महलां दी रानी, तो अगर आप चाहो तो हम आपके साथ बात करेंगे और हम, आप जो है हमारे चैनल के लिए एक दो गाना कीजिए।
अगर उस मेहनती रानी के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस के लिए भी कुछ लाइनें मेहनती रानी के लिए हो जाए। चलो सर, मैं जो मेरी उसमें सबसे जड़ी मतलब जो मुझे पसंद है जी, मैं वही लाइनें आपको बताऊंगा जी। मेरा इसमें सबसे प्यारे बोल जो हैं वो हैं, वो तू मोये मैं दी रानी, तू मोये जंगलें दा राजा, तू मोये मैं दी रानी, तू मोये जंगलें दा राजा, वो तू मोये गड्डिया चल दी, तू मोये प्यादल बेचारा, ऐ तू मोये पैसे मंग दी, मैं मोहिए अपना गुजारा। एक तो सर मेरे इसमें ये बहुत मतलब मेरी पसंद जो है, मेरे प्यारा मुझे जो है ये है जी। उसके बाद दूसरा जो है, ओ कुत्ते रखा तेरा रेशमी रुमाल, कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए, कुत्ते रखा तेरा रेशमी रुमाल, कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए, ओ खिसे रखा तेरा रेशमी रुमाल, दिले लवा तेरा दिल अड़िए, ओ खिसे रखा तेरा रेशमी रुमाल, दिले लवा तेरा दिल अड़िए। इसमें जो है, इस गाने में खासकर जो है मेरे ये बोल जो है सबसे प्यारे बोल रहे हैं जी। जी तो अभी एक गाना आया था आपका कालजे दा टोटा, जो मोहन प्रोडक्शन पे इस वक्त अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से जी। तो अभी अभी कोई गाना आने का कोई है कि नया गाना आने वाला? सर मतलब असल में ये है सर कि मैं जो हूँ टाइम जो है बहुत कम मुझे मिल रहा है, तो जिसकी वजह से जो है मैं मेरा एक गाना जो है वो ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्ड खाली उसकी डमिंग हुई है जी। बाकी अभी उसमें काम जो है बाकी रहा है, तो एक गाना जो है उसके बाद जो है मैंने दो गाने और तैयार किए हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा है जी। उसमें से दो गाने जो है मेरे डोगरी के ही हैं और तीसरा गाना जो है गुजरी में ही मैंने जो है तैयार किया है, तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो ये तीनों ही गाने जाके जो है मैंने रिकॉर्ड कर देने हैं। उसके बाद जो है हर महीने में एक गाना जो है बारी बारी से जो है इसको अपने चैनल पे रिलीज कर जी। तो अभी हम क्या जान सकते हैं कि मोहन प्रोडक्शन पे ही हमें गाने देखने को मिलेंगे या अदर किसी चैनल पे आने वाला है? सर अभी तो मेरी ये है कि अपना चैनल जो है बनाया था, अभी ठीक भी चल रहा है जी, तो एक आध गाना जो है फिलहाल मैं अपने ही चैनल पे डालूंगा जी। उसके बाद देखते हैं, जो हमारा एक टीम वर्क है उसके अंदर जैसे मैंने पहला गाना मेरा था महिला निरानी जो है वो पहाड़ी फॉक म्यूजिक चैनल पे डाला था हमने, तो वो जो है वो मेरे ही साथी जो हैं उनका चैनल है वो, तो एक गाना जो है अभी मैं अपने ही चैनल पे डालूंगा, शायद फिर हो सकता है क्योंकि और किसी चैनल पे तो अभी खासकर फाइनल बात किसी से मेरी हुई नहीं है जी। लेकिन बहरहाल जो ये दोनों चैनल हमारे चल रहे हैं इनमें जो है हम देख के जो है हो सकता है कि एक गाना जो है अभी मेरे ही चैनल पे आएगा, उसके बाद अगला गाना जो है शायद में उनके चैनल पे आएगा, तो जैसे ही जो भी होगा तो हम उसमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो पहले से ही कर रहे हैं कि मेरा कौन सा गाना किस चैनल पे आएगा जी। ऑडियंस आपको भी पता चल जाएगा कि इनका कोई भी गाना आएगा, हम पोस्टर डाल देंगे, आप पोस्ट चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे मेरे वाले चैनल पे भी। और हम अब बात कर ले हैं बात करते हैं कालजे दा टोटा, जो दूसरा इनका गाना आया था मोहन प्रोडक्शन पे। मोहन प्रोडक्शन पे अभी कुछ ऐसी र्यूमर्स भी फैले थे कि उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह भी लीक हुई थी कुछ जी। सर असल में मतलब जो पहले मैं यही सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था जी कि जो नया नया काम आदमी करना शुरू करता है तो उसके अंदर छोटी मोटी मुश्किलें आती जी। सर उसमें चक्कर ये हो गया था कि हमारा गाना जो था उसमें खाली डमिंग जो है हम तैयार करके जो थी और कार्ड हमने अपने पास रखी जी, तो अब बहुत बड़ी टीम है हमारी जी, तो ये तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन बहरहाल हमसे ही जो है वो गाना लीक हो गया, उसमें हमें काफी जो है प्रॉब्लम आई। बहरहाल उस गाने को मुझे नए सिरे से जाके जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ा। मैं माजर चाहूंगा शायद जो मेरा गाना बना हुआ था
वो नहीं रहा और ये इतना काफी लेंथी हो गया कि मुझे दो गानों का एक ही बनाना। फिर उसमें कुछ ऐसे स्टेप भी ऐड किए हैं शायद, बिल्कुल चेंज करके जो है मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि शायद जो चीज मेरी बनी हुई थी वो चीज नहीं रही, तो मैं ये के दो गाने जो मेरे थे मैंने फिर उनको एक ही बनाया। अच्छा, दो गानों का एक ही बनाया, यानी उसकी ड्यूरेशन जो आप देख रहे हो कि जो आधा गाना जो है वहां तक उसकी ट्यूनिंग जो है वो अलग है जी, और आधे गाने से आगे की ट्यूनिंग जो है, बहरहाल म्यूजिक में तो मेरे सर ने जो है मुझे बहुत ज्यादा, उन्होंने भी मेरी काफी ज्यादा सपोर्ट की है म्यूजिक में, तो उन्होंने भी कमी रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो गाना जो था वो गाना थोड़ा सा अलग था, उसकी ट्यूनिंग और उसकी ट्यूनिंग में काफी फर्क है जी, तो उन दो का मुझे एक करना पड़ा। ड्यूरेशन भी हम देख रहे थे कि 10 मिनट का, दस मिनट मान के चलो कि 10 मिनट 48-47 सेकंड है, 11 मिनट ही मान के चलो जी। तो आज आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम मैं भी तो मतलब अगर मैं अपना ही गाना नहीं सुनता हूँ, मैं बाकी को भी सुनता हूँ जी, तो मान के चलिए कि अगर हमें क्या है कि इतना भी कभी कभार नहीं टाइम होता है हमारे पास, लगातार 10 मिनट नहीं होते जी जी, हमें 5 ही मिनट होते हैं या हमारे पास 6 मिनट होते हैं, तो अगर 5 या 6 मिनट का गाना हो तो हम उसको पूरा सुन सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि क्या जी। तो इवन के मान के चलिए मेरी मजबूरी बन गई जिस वजह से मुझे बहुत लंबा गाना करना पड़ा, वरना जी जी हाँ आइंदा आने वाले जो मेरे गाने होंगे 5 से 6 मिनट के होंगे जी जी जी। तो अब उसी गाने की बात कर लेते हैं, लोगों ने ऑडियंस ने उस पे भी बड़ा ज्यादा प्यार दिया आपको, आपके चैनल पे भी बड़ा ज्यादा प्यार मिला आपको, और उसी के कुछ लाइनें हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। मैं सबसे पहले तो ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा नया चैनल था मोहन प्रोडक्शन जी, लेकिन उन्होंने चैनल मेरे को भी बहुत दूर पहुँचाया। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें जहाँ तक भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं, और व्यूवर्स जो हैं आज भी जो है मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है उससे, तो उसके बीच में जो मेरे मतलब उसके बीच में भी ये चीज़ बताऊंगा कि इसमें भी दो गाने जो हैं हुए, इसमें भी दो गानों को जो मैंने इकट्ठा किया है, तो इसमें भी जो मेरे मतलब मैं दोनों ही गानों का जो है थोड़ा थोड़ा सा जो मैं आपको बोल रहा था कि दो को एक बनाया है, तो उसमें मैं आपको दो स्टेप जो है दोनों का जो है एक एक स्टेप जो है बताऊं। सबसे पहले जो मेरा गाना था उस गाने में उसके बोल थे सर, ये दुनिया हो गई बैरी, ये दुनिया हो गई बैरी के कर गए दमेज ने, ओए नदिया सुट गए छाल रुड़ गए दमेज ने, ये दुनिया हो गई बैरी के कर गए दमेज ने, ओए नदिया सुट गए छाल रुड़ गए दमेज ने, ओए सर यहाँ सिरडी साग, ओए सर यहाँ सिरडी साग खा गए दमेज ने, ओए क्लिक चढ़िया ताप किल दे दमेज ने, ओए किले की चढ़िया ताप किल दे दमेज ने। ये गाना था मेरा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा जी, ओए तू तब चली पे आ परदेस हो, तेरे ओ बगैर किया रहना हो, ओए तू तब चली पे आ परदेस हो, तेरे ओ बगैर किया जीना हो, ओए बागे बिच उड़दा है तोता हो, ओए तू ताओ मेरे काल जेदा तोटा हो, ओए बागे बिच उड़दा है तोता हो, ओए तू ताओ मेरे काल जेदा तोटा हो। ये मेरे बोल थे। जिक्र इसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन का भी है और हमें फखर होता है आप पे जब डिस्ट्रिक्ट रामबन के कुछ इलाकों का अपने गांधरी का नायब तहसील है वहां पे उसका नाम लिया है जी। जब तो वो वाला थोड़ा सा एक स्टेप
सर वो तो स्टेप मेरा वो भी बहुत प्यारा स्टेप है क्योंकि मैं गांधरी में ही रहता हूँ जी, तो मैंने अपने ही गांव का नाम जो है कोशिश की है कि ये भी जो है मेरे गाने में आ जाए जी। तो उसमें वे गांधरी लग गया मेला, वे गांधरी लग गया मेला, जागे दमे जने गांधरी लग गया मेला, जागे दमे जने तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मोहन ठाकुर जी और ये हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट की शान, जम्मू कश्मीर की शान, ये डोगरी में जो आज काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है। और आप इनके चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, मोहन प्रोडक्शन करके इनका चैनल है, और वहाँ पे एक बार चेक करें कि किस तरह का अंदाज है इनका गाने का। और आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर मुझे लगता है कि इनके चैनल पे जाके, मैं लिंक भी दे दूंगा आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखेंगे, पॉडकास्ट को भी देखेंगे और इनके चैनल पे भी प्यार देंगे। थैंक यू सो मच।